नमस्कार जी, मेरा नाम विशाल जोटा है और मैं PNP एसोसिएट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बरसातों से मौसम खुला है और आज हम दोची में आए हुए हैं मिस्टर जसवंत सिंह चौहान जी की नर्सरी में। यहाँ हमने देखा इन्होंने जो है 111 पर नर्सरियाँ तैयार की है, पर इसमें थोड़ी सी जो है ग्रोथ की प्रॉब्लम है। तो कुछ दिन पहले मेरी और जसवंत भाई की बात हुई थी और इन्होंने बताया था कि मेरी नर्सरी में थोड़ी ग्रोथ कम है, तो मैंने इनको पलका रिकमेंड की थी। तो अब हमारे सामने जसवंत भाई है। जसवंत भाई कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, ये ग्रोथ का ही इशू रह रहा है नर्सरियों में। हमने पिछले मंथ अपना ऑर्गेनिक भी डलवाई थी, इसमें स्प्रे तो टाइमली हो रही है, फिर भी इशू आ रहा है ग्रोथ नहीं। आप देख रहे हैं ना सर, जसवंत भाई, इसमें जो है ग्रोथ का बहुत इशू है सर, है ना। अब मैंने आपको पलका रिकमेंड की थी, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पलका किस तरह से डालनी है और फिर हम इसके रिज़ल्ट जो है विद इन मंथ देखेंगे। फिर आपको और पलका डलवानी पड़ेगी इसमें। लास्ट टाइम तक जो है इसमें जो है जो ये नील ग्रोथ नज़र आ रही है, ये आपको अच्छे से ग्रोथ करेंगे ये पौधे ना। मैंने इससे पहले भी नर्सरी में 2-3 बार ट्रायल लगाए हैं, तो मैंने वहाँ देखा कि जो नर्सरियाँ डेड लाइन पर थी उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है। तो अब हम जो है इसमें नर्सरी का ट्रायल लगा देते हैं, आप क्या बोलते हैं सर? चलो ठीक है सर, फीडबैक मिल जाए तो बेटर है। हाँ, मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि फार्मर्स मैक्सिमम टाइम जो है रिज़ल्ट आने के बाद प्रॉपर सच नहीं बोलते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी नर्सरी में हमारी पलका ग्रोथ ले आ पाए और इसको अच्छे से मोटाई भी इसकी बढ़ा पाए, तो आप इसका हमें ज़रूर फीडबैक देना सर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि और फार्मर्स को भी आप बताएं कि मैंने इस बार जो है नर्सरी में पलका लगाई है। तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कि पलका किस तरह से जो है नर्सरी में डालनी है। ठीक है सर, धन्यवाद। एक बात का खास ध्यान रखना है आपने कि नर्सरी ये जो है बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं पड़नी चाहिए। जब आप इसमें बेड में डालेंगे तो ये बिल्कुल इतने दूरी पे रहनी चाहिए, इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं डालनी आपने। और इसके जो है जो भी आप ये डालेंगे ये बिल्कुल आपस में नहीं मिलने चाहिए। ये कार्बन और चूने की सहायता से ये बनती है और इससे ज़्यादा इसको ना डालें, बस इतनी इतनी डालनी है खाली, है ना। प्रॉपर मेथड से आप यूज़ करेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ग्लव्स यूज करें, क्योंकि अगर ग्लव्स पहन के आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये हाथी चमड़ी भी निकाल सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसे डालनी बैठा देखो ना, इसके नज़दीक नहीं डालनी, इसका ध्यान देना भाई लोग, ये बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं डालनी। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ये देखो इतनी कम करनी है, बहुत कम, बाहर ठीक है। हाँ बाहर, ये देखो ना जितनी डाल रहे हैं ना, ये देखो ना बेटा कैसे डाल रहे हैं, बिल्कुल कम कम। और ऐसे कट्ठी नहीं डाल देनी एकदम, वो मुट्ठी एक जगह नहीं डालनी था ना, यूं मिला के प्रॉपर वे से मिलाना है इसको ना, प्रॉपर वे से। और कोशिश करना ये मिट्टी ने इसकी ऐसे करके बेड नीचे चला गया ना ये, तब इसमें पानी बैठा है और साथ साथ में घास भी इसका ना। आराम से करो, बेशक 2 दिन लग जाए बेटा, है ना, मजे से करो, 3 दिन लगा लो, कोई बात नहीं। अगर कभी खुल गया ना आज, अभी सिर्फ ये बेड थोड़ा डाल दो अभी ना, ये वाला
जब सूखेगा ना प्रॉपर सपने आ जाएंगे ऊपर से, उनको भी चाहे बुला देंगे प्रॉपर गुड़ाई करके, एक दो बंदा खा डाल देगा वो लेडी ने गुड़ाई कर देगी इसको जिस भाई ना इधर। हाँ हाँ करते हैं इसको बेड को बेड ऊपर लिया ना इसका, ठीक है लग गया ना पता। लो ये ग्लव लो, नंगी चमड़ी से मत डालना, हाथ जल जाएगा बाद में मेरे को मत बोलना।